भावार्थ वरुण ने भूमि के पास का बीच का और इनके बीच का ऐसे आकाश के तीन विभाग किए। उसी प्रकार समुद्र किनारे पर की भूमि, पर्वत शिखरों की भूमि और उन दोनों के बीच की भूमि, इस प्रकार तीन प्रकार की भूमियों का निर्माण किया। छह ऋतुओं का भी निर्माण वरुण ने किया। इन सबका राजा परमेश्वर है। उसी ने सबका कल्याण करने के लिए आकाश में सूर्य को स्थापित किया। भावार्थ ईश्वर ने जिस प्रकार आकाश को ऊपर ही स्थापित किया, उसी प्रकार समुद्र को उसके योग्य स्थापित किया। वह ईश्वर निष्कलंक है, बलवान है, प्रशंसनीय है, अंतरिक्ष का निर्माता है। इसका सामर्थ्य उपासक को दुख के पार कराने वाला है तथा यह संपूर्ण जगत का राजा है। भावार्थ ईश्वर दयालु है, इसलिए वह पाप करने वालों को भी सुख देता है। हम निष्पाप बनकर ईश्वर के पास रहें, ईश्वर के नियमों का हम पालन करें तथा हम सुखी हों। अष्टाशीतितम सुक्तम। भावार्थ ईश्वर की भक्ति उपासक के हृदय को शुद्ध करने वाली तथा बुद्धि को प्रेम युक्त बनाने वाली होती है। जो ईश्वर सूर्य को हमारे सम्मुख उपस्थित करता है, बड़ा ही सामर्थ्यशाली है, इसलिए वह स्तुति के योग्य है। भावार्थ यज्ञ स्थान में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, सोम का रस निकाला जाता है, वरुण देव को यह दिया जाता है, तब उसका रूप अधिक सुंदर दिखाई देता है। भावार्थ भक्त तथा वरुण एक ही नाव पर चढ़ते हैं। वह नाव समुद्र में तरंगों के कारण ऊपर तथा नीचे होती है। इस गति में आनंद एवं कल्याण की प्राप्ति है। जब जीव इस शरीर रूपी नाव में आता है, उसी नाव में ईश्वर भी चलाने वाला बैठता है। वह नाव संसार रूपी सागर में चलाई जाती है। आने वाले सुख दुख रूपी तरंगों के कारण यह शरीर रूपी नाव भी उन्नत तथा औन्नत होती रहती है, परंतु यह स्थिति मनुष्य को कल्याण एवं आनंद प्रदान करने वाली होती है। भावार्थ यह शरीर रूपी नाव ईश्वर ने बनाई, उस नाव पर साधक को बिठाया तथा उसे ज्ञानी और कार्य का कर्ता बनाया, साथ ही काल का निर्माण करके शुभ दिनों का सृजन किया, ताकि इन शुभ दिनों में उत्तम कार्य करके यह जीव उत्तम स्थान पर पहुँचे। भावार्थ जीव एवं ईश्वर के बीच मित्रता प्राचीन है, सनातन है, वह कब हुई कोई नहीं जानता। इन दोनों की मित्रता में निष्कपटता है। यह मित्रता सदैव स्थिर रहे, ऐसा यह जीव चाहता है। उसकी इच्छा सदैव ईश्वर के विशाल घर में रहने की होती है। भावार्थ भक्त कहता है, हे प्रभो, मैं तुम्हारा सनातन बंधु हूँ, तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ। अब मुझसे थोड़े से अपराध हुए तो क्या मुझे उसके लिए दंड दोगे? मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी भक्ति अब भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से पाप होने पर भी मैं तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूँ, ऐसा करो। भावार्थ यह मनुष्य शरीर अस्थिर होते हुए भी स्थिर सा प्रतीत होता है। इस शरीर को पाकर मनुष्य ईश्वर की ही भक्ति करे। ईश्वर की भक्ति करने पर मनुष्य हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तब उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के संरक्षण प्राप्त होंगे। एकोन नव तितम सुक्तम। भावार्थ मनुष्य सदैव ईश्वर की भक्ति करके ऐश्वर्य प्राप्त करे। वह सदैव आलीशान घर में ही रहने की कामना करे। इस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त करके सदैव पुष्ट एवं स्वस्थ होने का प्रयास करे, क्योंकि जिसके अंदर शक्ति होती है वही दूसरों को सुखी कर सकता है। भावार्थ मनुष्य किले जैसे सुरक्षित स्थान में रहे तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा करे। जिसमें स्फुरण है, उत्साह है, वही प्रयास करके उन्नति प्राप्त करता है। दुख के पार होने के तीन साधन हैं, सुरक्षित स्थान, आत्मिक बल तथा उत्साह। भावार्थ प्रशस्त कर्म करने की शिथिलता ही मानव की औन्नति करती है, इसलिए इस प्रकार की दीनता को कोई मानव अपने पास न आने दे। भावार्थ जिस प्रकार कोई पानी में रहकर भी प्यास से तड़पे, उसी प्रकार यह जीव भी ईश्वर के आनंद सागर में रहते हुए भी आनंद के लिए तड़पता है और दुखी होता है, परंतु उसका दुख जब हद को पार कर जाता है तब ईश्वर उसे आनंद का भागी बनाता है।
भावार्थ मानवों का यह स्वभाव ही है कि वे दिव्य लोगों से सदैव द्रोह किया करें और सदैव अज्ञान में रहकर अपने अपने कर्तव्य का लोप करते हैं, अर्थात अपने कर्तव्य को नहीं करते। यह पाप ही है। मनुष्य इस पाप से बचने का प्रयास करे। षष्टोनुवाकः नवतितम सुक्तम भावार्थ हे वायो, तुम वीर हो, इसलिए तुम्हें अध्वर्य गण शुद्ध मृदु सोम रस प्रदान करते हैं। अतः तुम हमारे पास आओ तथा इस सोम रस रूप अन्न का पान करो। भावार्थ हे वायो, जो तुम्हें शुद्ध सोम रस देता है उसे तुम मानवों में प्रशंसनीय बनाते हो तथा वह सर्वत्र विख्यात होकर इस धन को प्राप्त करने वाला होता है। भावार्थ जिस प्राण शक्ति रूपी वायु को ईश्वर ने उत्पन्न किया उसे बुद्धि धारण करके ऐश्वर्यशालिनी होती है। ये घोड़ियां रूपी इंद्रियां उस प्राण शक्ति की सेवा करती हैं तथा उससे तेज रूपी धन प्राप्त करती हैं। भावार्थ जो मानव प्राण शक्ति से युक्त होकर उत्साह से संपन्न होते हैं उनके लिए दिन विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं, उनके लिए किरणें प्रकाशित होती हैं, उनके लिए जल प्रवाह बहते हैं। जो मानव सदैव उत्साह से पूर्ण होता है वही इस प्रकृति में सब जगह सौंदर्य के दर्शन करता है। उसके दिन के प्रकाश में ईश्वर का तेज तथा नदियों के जल प्रवाहों में परमात्मा की गति ही दिखाई देती है। भावार्थ जिसका मन सत्य से प्रकाशित होता है वे यज्ञ अर्थात उत्तम कर्म से संयुक्त होते हैं। जो अपने शरीर का स्वामी होता है उसे इंद्र एवं वायु अर्थात जीवात्मा तथा प्राण शक्ति ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सदैव अन्न अर्थात पोषण प्राप्त होता है। भावार्थ जो स्वामी गौवों घोड़ों धनों तथा स्वर्णों से युक्त होकर प्रजाओं को सुख देता है वह ज्ञानी होकर सभी शत्रुओं को पराजित कर विजयी बनता है। भावार्थ अन्न खाकर घोड़े की भांति पुष्ट होने वाले ज्ञानी लोग उत्तम स्तोत्रों से इंद्र एवं वायु को बुलाते हैं और ये दोनों देव भी कल्याणकारी साधनों से उनकी रक्षा करते हैं। एकन वतितम सुक्तम भावार्थ प्राचीन काल में जो ज्ञानी स्तोता थे वे अपने प्रिय स्तोत्रों के कारण प्रशंसित हुए। वे दुखी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए वायु की स्तुति करते थे। भावार्थ ये इंद्र एवं वायु अनंत काल से मनुष्यों का हित करते आए हैं परंतु उनकी हिंसा कभी नहीं करते। वे मनुष्यों को ऐसा धन प्रदान करते हैं जो सुखदायक तथा हर प्रकार की सुविधाओं को देने वाला होता है। भावार्थ पर्याप्त अन्न तथा धन वाले लोग श्रेष्ठ वायु का सेवन करते हैं और समान विचार वाले होकर सुख प्रजा निर्माण करने का कार्य करते हैं। भावार्थ जितना शरीर में बल तथा सामर्थ्य है और जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक शुद्धता एवं पवित्रता से प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ हे इंद्र एवं वायु, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ हमारे पास आओ। यह मधुरता से पूर्ण अन्न का भाग तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, तुम इसे खाकर तथा संतुष्ट होकर हमें पाप से मुक्त करो। भावार्थ हे इंद्र एवं वायु, जो सौ या हजारों शक्तियां तुम्हारी सेवा करती हैं उन सब शक्तियों से युक्त होकर हमारे पास आओ तथा हमारे द्वारा दिए गए सोम रस को ग्रहण करो। भावार्थ अन्न खाकर घोड़ों की भांति पुष्ट होने वाले ज्ञानी लोग उत्तम स्तोत्रों से इंद्र तथा वायु को बुलाते हैं और ये दोनों देव भी कल्याणकारी साधनों से उनकी रक्षा करते हैं। दिन वतितम सुक्तम भावार्थ सब जगह शुद्धता एवं पवित्रता करने वाले वायुदेव की अनेकों शक्तियां हैं, उन शक्तियों से युक्त होकर वह आनंददायक सोम रस को पीता है। भावार्थ प्रत्येक काम शीघ्रता से करने वाले यज्ञकर्ता इंद्र एवं वायु के लिए सोम को तैयार करते हैं। देवत्व को प्राप्त करने की कामना करने वाले अध्वर्युगण अपनी शक्तियों से इस सोम को इन देवताओं के लिए प्रदान करते हैं। भावार्थ हे वायो, यज्ञ स्थान में यज्ञ के समय दाता के पास जिन घोड़ियों से तुम जाते हो वैसे हमारे पास